नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली यह कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल लीनियर नेटवर्क को, जो कि एक्टिव और बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को मिलाकर बना हो, एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें केवल एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH और उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH कनेक्टेड हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो जिसमें कि लीनियर एलिमेंट्स हो, एक्टिव एलिमेंट्स हो और बाइलेटरल एलिमेंट्स हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक ऐसे सिंपल नेटवर्क में जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई होता है किसी भी सर्किट में। थेवेनिन्स थ्योरम को समझने के लिए हमने एक सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स E1 है, आइडियल नेचर का है। इसके अलावा 6 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, R4, R5 और RL। RL बेसिकली लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसके अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना होता है या फिर जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये लोड रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमको क्या करना है, करंट IL फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो देखिए हमारा सर्किट कैसा बनता है। देखिए हमने इसको ओपन किया है तो उसके बाद क्या हुआ, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ से हट गया और बाकी सर्किट सिमिलर है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमारा ओपन सर्किट टर्मिनल है या ब्रांच है, हम इसके अक्रॉस क्या करेंगे, हम वोल्टेज VTH फाइंड आउट करेंगे। यानी इसके अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा हम उसको क्या कहेंगे, थेवेनिन्स वोल्टेज कहेंगे या इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज VTH कहेंगे। यानी इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच हमको क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है और वो होगा VTH के इक्विवेलेंट, यानी ये VTH है। ठीक है, तो आप इसको कोई भी सुटेबल मेथड, KVL या फिर किसी भी और मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, RTH कैलकुलेट करते हैं। RTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इस सर्किट में हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और अगर कहीं करंट सोर्स कनेक्टेड होगा तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। रीजन इसका ये है कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं और हमको पता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है जबकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो जिसका 0 रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा E1 है वो शॉर्ट हो जाएगा और बाकी रेजिस्टेंसेस पहले की तरह रहेंगे, R1, R4, यहाँ R2, यहाँ पे R3, यहाँ R5। ठीक है, अब ये जो दो हमारे टर्मिनल हैं यानी ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, RTH कैलकुलेट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपका VTH कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ से RTH कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या ड्रॉ करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे हमारा
इक्विवेलेंट वोल्टेज यानी थेवेनिन्स वोल्टेज VTH होगा यहाँ प्लस माइनस, और उसके सीरीज में क्या होगा हमारा RTH होगा। ठीक है, ये जो है हमारा इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट हो गया, इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट। अब जिस ब्रांच में हमको करंट फाइंड आउट करनी होती है, फाइनली हम क्या करते हैं उसको कनेक्ट कर लेते हैं RL। ठीक है, अब देखिए इसमें करंट फाइंड आउट करना आसान है, RTH और RL सीरीज में कनेक्टेड हैं और VTH इसके अक्रॉस सप्लाई है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सर्किट का RTH प्लस RL, और टोटल वोल्टेज हुआ VTH। तो IL की वैल्यू क्या होगी लोड करंट की, VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। क्लियर है, दोबारा इस सर्किट को समझिए। एक हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट था, इसमें कई सारे रेजिस्टेंसेस थे, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स था, हमको लोड रेजिस्टेंस RL से करंट पता करनी थी। तो पहले स्टेप में हम VTH कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोड टर्मिनल है यानी लोड रेजिस्टेंस जो है जिसके अक्रॉस हमको करंट फाइंड आउट करनी है, हम उसको ओपन कर लेते हैं और उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज या जिसको VTH या थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे करंट या वोल्टेज सोर्स हैं उसको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हुए जो ओपन सर्किटेड टर्मिनल था उसके अक्रॉस हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जिसको RTH कहा जाता है। अब VTH और RTH, VTH और RTH जो है उसको हम क्या करेंगे, जैसा कि थेवेनिन का जो हमने थ्योरम पढ़ा उसमें क्या है VTH के सीरीज में RTH कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हमने VTH और उसके सीरीज में RTH। और फिर जो हमने लोड रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया था ओपन सर्किट से उसको लाके यहाँ पे वापस कनेक्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं लोड करंट IL कैलकुलेट करते हैं। तो IL की वैल्यू हो जाएगी VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। अब हम थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमको करंट फाइंड आउट करनी है। तो जैसा आपने समझा था, सबसे पहला स्टेप जो होगा इसको सॉल्व करने का, उसमें हम क्या करेंगे कि 10 ओम का रेजिस्टेंस जो कि लोड रेजिस्टेंस है इसको हम ओपन सर्किट करेंगे। तो ओपन सर्किट करने के बाद हमारा सर्किट जो बनेगा उसको हम बना लेते हैं। ये ओपन सर्किट हो गया, अब इसके अक्रॉस हमको क्या कैलकुलेट करना है VTH कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसके अक्रॉस VTH कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कई सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। एक आसान तरीका हम देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है तो I इस टर्मिनल तक आएगी या इस नोड तक आएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से आगे सर्किट ओपन है तो आगे तो करंट जाने वाली नहीं है, यानी ये करंट I वापस यहाँ से रिटर्न बैक आएगी और I यहाँ से वापस 10 वोल्ट की बैटरी में चली जाएगी। अब देखिए अगर हम आई की बात करें, अगर इसमें केवल अप्लाई करें तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 10 जो कि हमारा वोल्टेज है डिवाइड बाई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 2 + 2 यानी 10/4 यानी कि 2.5 एम्पियर जो है हमारी आई की वैल्यू है। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर जो VTH है क्योंकि यहाँ पे करंट कुछ फ्लो हो नहीं रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा। जब करंट नहीं फ्लो हो रही है, करंट जीरो है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप यानी आई इंटू आर, तो आई जीरो है तो आई आर भी जीरो होगा, यानी VTH इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लें तो हम VTH आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे I इक्वल टू 2.5 एम्पियर है, और 2.5 एम्पियर जब 2 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 2 × 2.5 यानी कि 5
वोल्ट। क्लियर, यानी कि VTH क्या होगा हमारा 5 वोल्ट होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही VTH है, तो VTH क्या होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस इनटू 2.5 एम्पीयर करंट, यानी कि 5 वोल्ट, यानी हमारा VTH कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए हम 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और बाकी सर्किट आप बना लीजिए, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। क्लियर, अब हमको क्या करना है, इसके अक्रॉस RTH कैलकुलेट करना है। RTH यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये 2 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल है। तो 2 ओम और 2 ओम जब आपस में पैरेलल है तो इतना जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, यानी कि 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि 1 ओम। क्लियर है, यानी कि आप इसको बना सकते हैं इस तरह, 1 ओम और ये 2 ओम, ठीक, ये RTH इस डायरेक्शन से। तो अब देखेंगे कि आप 2 ओम और 1 ओम आपस में सीरीज में है तो सीधी सी बात है RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ओम। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाएंगे तो ये हो गया VTH, VTH की वैल्यू है 5 वोल्ट और इसके सीरीज में 3 ओम का RTH। क्लियर, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट। अब जो हमने लोड रेजिस्टेंस हटाया था उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है IL, तो IL की वैल्यू क्या हो गई, आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। तो VTH कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई RTH 3 प्लस 10, यानी कि 5 डिवाइड बाई 30 एम्पियर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है।